सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सच्ची अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 20 जून 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व क्या खूब कहा है किसी ने, जवानी में अगम के वास्ते सामान कर गाफिल, जवानी में अगम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। इसलिए बहुत ही अच्छा इस भजन में कहा हुआ है, मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते, जिन्हें वो सोता पाते हैं उन्हें वो लूट जाते, कपट का है यहाँ चलना सभी व्यापार दिन राती, दिखा कर सूरते सुंदर जाल में वो फंसाते हैं, मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं, कभी किसी का मत करना भरोसा इस जमाने में, लगा कर प्रीत मतलब की पल में वो हटाते हैं, लक्ष्य से भटका देते हैं ना, तो क्या करना है, संभालो माल अपने को बांध कर धर सिरहाने में, जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते हैं, मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते, जिन्हें वो सोता पाते हैं उन्हें वो लूट जाते हैं। वो परमपिता परमात्मा सदैव हमें यही कहते रहते हैं कि मुझे याद करो, वो गति सदगति दाता, पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने वाले, वो ज्ञान दाता, गुण दाता, शक्ति दाता, वो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री, वो त्रिलोकीनाथ, वो मेरे पिता जो सुख का सागर है, वो एक अमूल्य थाती लेके आया है सुख की, शांति की, पवित्रता की और परम आनंद की थाती लेकर आया है। किसके लिए?
वो हमें देने आया है। और कहता क्या है, सिर्फ मुझे याद करो, मेरे संग रहो, सिर्फ मुझे ही देखते रहो। तो आज ये कैसे संभव हो सकता है? तो बाबा ने देखो कहा है आज, मीठे बच्चे, देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलकर एक सत्यम शिवम सुंदरम को याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि अभी ये युग परिवर्तन की वेला है। इस विश्व धरा पर, इस रंगमंच पर, इस काल चक्र में बेहद महत्वपूर्ण समय चल रहा है। ये संक्रांति काल का युग है जिसमें कलयुग परिवर्तन होकर सतयुग ने आना है। तो जिन नयनों ने उस भगवान को देखा है बड़े इंतजार के बाद, नयन मुलाकात की है, क्या वो इस संसार की चीजों के प्रति आकर्षित हो सकता है? हम मुसाफिर हैं ना, तो कितना सुंदर कहा है कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। और जिन्हें भी अज्ञान की निद्रा में, मोह की निद्रा में सोया हुआ पाते हैं, उनका सर्वस्व लूट कर ले जाते हैं और रह जाता है पीछे पश्चाताप। इसलिए बाबा कहते हैं, इन आंखों से जो भी देखते हो, क्योंकि ये सब मिटने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, इसलिए परमात्मा भीतर के चेतन के पट खोल रहा है। सचमुच वो हमें पवित्र निगाहें दे रहा है। जिन्ना पाक निगाह होइया, वो कदे न जांदे ठगे, वो माया से कभी ठगे नहीं जाते। इसलिए भीतर के पट खोल कर अंतर्मुखी होना है। तो फिर क्या होगा, उस सतयुग के राज्य में प्रवेश पा सकेंगे। ये लॉटरी है, सतयुग एक लॉटरी है। तो प्रश्न पैदा होता है कि इस सतयुग के राज्य पद की जो लॉटरी है, उसे प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ हो कि हम जीत जाएं, हम कहीं खो ना जाए इस दुनिया की भीड़ में? तो बाबा ने बताया है, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने के लिए अपने ऊपर पूरी नजर रखो। ये नजरें जो अब तक इधर उधर डोलती फिरती थी ना, रूप के पीछे, सांसारिक पदार्थों के पीछे, देहधारियों के पीछे, बाबा ने कहा है अब उन नजरों को अपने पर टिकाओ। खुद पर ही पूरी नजर रखनी है, अपनी पहरेदारी करनी है, अपना सेल्फ एनालिसिस करो। क्या देखेंगे भीतर, कोई कमी तो नहीं,
कोई विकार तो नहीं है? अगर कोई भी विकार भूत अंदर है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अर्थात लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तो चेकिंग करनी है कि मेरी वृत्ति किसी भी देहधारी की तरफ नहीं ना जाती, मेरी बुद्धि कहीं लटकी अटकी तो नहीं है। परमपिता परमात्मा ने जो याद के लिए कहा है उसका रिकॉर्ड रखना है। कभी भी रोना नहीं है, दुखी हुए, किसी से बिछुड़ गए तो आंखों में आंसू नहीं लाने हैं। बाबा ने कहा, योग की शक्ति के द्वारा, ज्ञान की शक्ति के द्वारा इसी संसार के अंदर तुमने रोना प्रूफ बनना है, क्योंकि किसी भी देहधारी की याद में अगर शक आया और ये देह छूट गई तो फिर क्या होगा, कौन सी गति होगी? बाबा ने कहा, पद भ्रष्ट हो जाएंगे। वो परमपिता परमात्मा तो कितना ऊंचा पद देने के लिए आया है, पद्मापति बनाने आया है, और हम पद भ्रष्ट हो जाए। इसीलिए परमपिता परमात्मा जो सदाशिव है वही कहते हैं कि मुझ एक को याद करो। ये याद का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, कोशिश यही करनी है। आंखें भले बाहर खुली हो लेकिन भीतर को खुद को देखे, कान भले खुले हो लेकिन भीतर को सुने, अपने से जो भीतर संवाद चल रहा है ना उस संवाद को सुनो। बाहर के वाद विवाद में मत उलझो, तुम्हें शांति के लिए भटकना नहीं है, लेकिन तुम्हारा परम कर्तव्य है सबको इस भटकन से छुड़ाना है। तुम्हें तो उस शांति धाम को, उस सुख धाम को याद करना है। आज का वरदान है निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। बाबा ने कहा, कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, क्योंकि कई बार चलते चलते अपने ही स्वभाव संस्कारों के साथ जब युद्ध करते हैं तो निराश भी हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कभी निराश नहीं होना, क्योंकि वो स्वयं तुम्हारी आशा और विश्वास है, हर कदम पे वो साथ दे रहा है। देखो बाबा कहते हैं, ये निश्चय रखो कि मुझे ये पुरुषार्थ करके ऐसा बनना ही है, होना ही है, ये विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजय बनो। एक सेकंड और मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो, उसके लिए गेट बंद कर दो। फिर बाबा ने कहा, सावधानी दी है अंतर के जगत में प्रवेश करते ही उस अंधकार में भी नीचे ले जाने वाली अभिमान और निराशा, ये दोनों महाबलवान हैं जो आपको महाबलवान नहीं बनने देते, क्योंकि जिसके अंदर अभिमान है
उसे अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है, फीलिंग का फ्लू बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, इन दोनों बातों से मुक्त बनो, दोनों बातों से मुक्त बनकर निर्माण बनो, नम्र बनो, हम्बल बनो, तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। क्योंकि तुम्हें विश्व का नव निर्माण करना है ना, भगवान की भुजाएं बनकर नव निर्माण करना है ना। बाबा हमेशा कहते हैं कि देहधारी को याद नहीं करो, पर हम जानते हैं कि हमारा सारा व्यवहार जो है देह के जगत से, देह वालों से है, देहधारियों से है, तो उन्हें भला कैसे भूले। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं, भल मैं भी तो देह द्वारा सुनाता हूं ना, परंतु याद तो तुम मुझ निराकार को ही करते हो ना, उसी को करना है ना। अगर उस निराकार निर्विकार को याद करते रहेंगे तो उससे लाभ होगा कि धारणा भी होती जाएगी, इस ज्ञान को जीवन में धारण करना सुगम हो जाएगा। क्योंकि जितना याद करेंगे उतना विवेक और विस्डम डेवलप होती चली जाएगी। अल्लाह ताला बुद्धि के ताले को खोल देगा, तो इसलिए क्या करना है अब, तो बाबा युक्ति बताते हैं। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर इसे बढ़ाते रहो, और इतना अधिक बढ़ाओ कि पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के, सिवाय एक परम पिता परमात्मा के कोई भी याद न रहे। बाबा ने फिर स्मृति दिलवाई कि जब से तुम द्वापर में अर्थात वाम मार्ग में गए हो ना, तब से कामचिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। तुम तो बहुत सुंदर थे, तुम गोरे थे, अब एक जन्म में क्या करना है। ज्ञान चिता पर हथियाला बांधने से सतयुग का वर्षा मिलता है, तो ज्ञान चिता पर बैठना है। जैसे हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो हाथ में एक प्रतिज्ञा का धागा बांधते हैं ना, ऐसे बाबा ने कहा तुम ज्ञान चिता पर बैठने का हथियाला बांधो, दृढ़ प्रतिज्ञा बनो उसके लिए। फिर बाबा ने स्मृति दिलाई कि सतयुग में तो तुम आत्म अभिमानी रहते हो, वह मृत्यु का दुख नहीं है, वह तो पुराना शरीर छोड़कर नया ऐसे ही लेते हैं जैसे पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करने से आनंद आता है। बाबा कहते हैं वहां रोने की तो बात ही नहीं रहती है। आज का स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो, अर्थात जब भी हम सेवा करते हैं तन से मन से धन से, तो बेहद में स्थित होकर सेवा करो, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी स्थान विशेष के प्रति आसक्ति में जाके नहीं, लेकिन समूचा विश्व जो है वो मेरा है, वो ही एक तख्त है, वो स्टेज है, विश्व का ग्लोब एक स्टेज है, उस पर मैं स्थित हो जाऊं और फिर परमपिता परमात्मा से शक्तियां लेकर प्रकाश पुंज बनकर उन शक्तियों को
समूचे विश्व में प्रवाहित करने वाला बन जाऊं। तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करने वाला वो ही विश्व के राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र है। श्रेष्ठ कर्म करने से श्रेष्ठ भाग्य बनता ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति।